आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोनपे वॉलेट के पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें। अगर दोस्तों फोनपे वॉलेट में आपको पैसा ऐड हो चुका है, वो पैसा दोस्तों नहीं निकल पा रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ दोस्तों पैसा निकाल के दिखाएंगे। कैसे निकालना है दोस्तों, आप इस वीडियो में केवल शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप भी दोस्तों पैसा अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों जो आपका पुराना वाला फ़ोन पे है दोस्तों, उसको डिलीट करके दोस्तों आप नया वाला फ़ोन पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ़ोनपे वॉलेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर जो आपका फ़ोनपे वॉलेट में पैसा ऐड हुआ होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। जो आपका पैसा फ़ोनपे में ऐड हुआ होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। मेरे पास दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं अवेलेबल बैलेंस 204 रुपया है। दोस्तों ये पैसा आपको निकाल के दिखाएंगे। तो दोस्तों पैसा निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर दो तरीके बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का बिल भुगतान करके या पर दोस्तों रेंट भर के या तो दोस्तों आप मोबाइल रिचार्ज करके आसानी से वॉलेट का पैसा आप निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज में क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड टू पे में क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं वॉलेट गिफ्ट कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आसानी से दोस्तों सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और तरीका है जो कि दोस्तों आप आसानी से बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको वॉलेट के ऊपर आना है। वॉलेट के ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितना पैसा दोस्तों आप ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर दोस्तों शो हो जाएगा। पैसा दोस्तों वॉलेट से निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपके पास फ़ोनपे का मर्चेंट QR कोड होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास मर्चेंट QR कोड नहीं है तो कहीं दोस्तों आप शॉप में जाकर दोस्तों आप मर्चेंट QR कोड के आसानी कहीं शॉप पर जाकर दोस्तों फ़ोनपे का जो मर्चेंट QR कोड होता है वहाँ पर दोस्तों जाकर आप स्कैन करके आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, मेरे पास फ़ोनपे का मर्चेंट QR कोड है इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है स्कैन पर। स्कैन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग होते ही दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। यहाँ पर दोस्तों जितना अमाउंट चाहिए यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कुछ मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड टू पे में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं फ़ोनपे वॉलेट जितना यहाँ पर बैंक ऐड है यहाँ पर शो हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो वॉलेट में क्लिक करके यहाँ पर आपको पे में क्लिक करना है। पे में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग होते ही दोस्तों यहाँ पर जो पैसा होगा सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर पैड हो जाएगा। मेरा वॉलेट से पैसा कट कर दोस्तों जो यहाँ पर आप स्कैन किए हैं वहाँ पैसा आप चला गया है। यहाँ पर चलिए वॉलेट में दिखाते हैं। वॉलेट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो पैसा बचा हुआ है 3 रुपया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं, कब कब कितना भेजे हैं पैसा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि फ़ोनपे वॉलेट के पैसा बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।